भीरे, किसी राजा का डब्बा भी है। सुनिए, फंसी तो फंसी। एक्सक्यूज मी। यस जी, हम आपसे नहीं यशोधरा जी से बातचीत करना चाहते हैं। लिहाज शर्म, तमीज तहजीब नाम की कोई चीज भी है तुम लोगों में या नहीं? सात समंदर पार के आ गए, फर्क ही भूल गए। पता नहीं इन फिरंगियों ने इन लोगों में क्या देख लिया कि रॉयल क्लब में आने का मौका दे दिया। हमारी समझ में नहीं आया। हमें तो पता है इन गोरों ने हमें क्या देखा है, लेकिन आप लोगों का जन्म तो राज करने के लिए हुआ है, तो फिर आपने इन फिरंगियों में ऐसी कौन सी बात देख ली जो कि आप इनके गुलाम बन गए? Hey! Come here. Yes, my lord. गुलाम, देखो ऐसे खड़े रहते हैं हमारे आगे। भाई साहब, गुलाम कह रहा था हमें, गुलाम। भाई साहब, वो तो मजाक। अरे भाई साहब, अरे इतने क्रोधित मत होइए भाई साहब, हम तो सिर्फ एक छोटा सा मजाक कर रहे थे आपसे। मजाक? जी तो एक मजाक हमें भी करने दीजिए। कीजिए, आइए। ओ मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। Oh!
वो वहां है। आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सब बड़े लोग हैं और मुझे पता था कि आप मेरे साथ यहाँ पर नाचेंगी नहीं सबके सामने। सही कहा, अब रोज रोज तो प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते ना। और रोज रोज हम अपना पैर भी तो नहीं तोड़वा सकते। तोड़ना अगर जुड़ने से जुड़ा हो तो क्या उसे तोड़ना कहते हैं? तो आपके पिता हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि वो राजा हैं। कहाँ के? शिकारपुर के? No, he's the king of माधवगढ़। वो क्वीन से मिलने आए हैं। इस बार तो पिंडारियों को मिटाने का पूरा इंतजाम करके ही जाएंगे। पता है वीर, बारबेरिक है वो लोग। एक बार तो हम जिस ट्रेन में थे उसे भी लूट लिया उन्होंने। आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है ना? नहीं, लेकिन महाराजा का हाथ काटा था उन्होंने। शुक्र है उनकी गर्दन बच गई। सुना है उन्होंने धोखे से हजारों पिंडारियों को मौत के घाट उतार दिया। गलत है ये, वो तो उन्हें सिविलाइज्ड बनाना चाहते थे। उनकी जमीनें छीनकर, उन्हें बेघर करके पिंडारियों का सिर्फ एक ही मकसद है, आजादी। ये आप कैसे कह सकते हैं? माधवगढ़ की राजकुमारी जी, आपकी मां की अमानत। राजकुमारी यशोधरा अपनी मां, समस्त देव व मिहिर वंश के तमाम पूर्वजों को साक्षी मानकर युवरागी का पद स्वीकार करती हूं।
मैं वचन देती हूँ, धर्म के इस पथ पर चलते हुए किसी भी परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होंगी और पूरी निष्ठा से सदैव राजधर्म निभाऊंगी। मैं वचन देती हूं, आज से मेरे लिए राज्य की प्रजा और राज्य का सुख ही सर्वोपरि होगा। मैं शपथ लेती हूं, आज से माधवगढ़ का मित्र मेरा मित्र होगा और माधवगढ़ का शत्रु मेरा शत्रु होगा। युवराज्य यशोधरा जी की जय। युवराज्य यशोधरा जी की जय। युवराज्य यशोधरा जी की जय। Oh, princess, I was so scared, accidentally your father's hand came out. And you know, the king is such a sport. Unhone situation ko is tarah sambhala ke sab relax ho gayi. Not only that, he declared the savior of Angela his state guest. Such a brave person he is. Wo kya kehte hai Hindi mein? Veer. A real veer. Kind and cultured, but fearless. Oh, I love this music. The rehearsal has begun for the song. Come, come, princess. Even you must perform. Come quickly. एंजेला जी बहुत अच्छे, बहुत जल्दी सीख रही हैं, बहुत सुर में बजा रही हैं। That means you're learning really quickly and you're in tune. Hello. Hello, princess. Can I steal Kumar Saab for a moment from you, Angela? Okay. लेकिन मैं क्या सोचते हो? जो आप दिखा रहे हैं हम वो देख रहे हैं। बस करो वीर, एंजेला को जब सच्चाई का पता चलेगा। सच्चाई क्या है? क्यों आप हमारी मजबूरी नहीं समझते? हो गया ना वादा पूरा, अब चले जाइए। हम कैसे जा सकते हैं? आपके पिता ने हमें न्योता दिया है आपके स्वयंवर का। कल शाम सूरज ढलने से पहले अगर आप माधवगढ़ से नहीं गए तो हम वही करेंगे जो अब तक एक युवराकी को कर देना चाहिए था। नहीं थी ना आपने चिट्ठी? क्यों समझती हैं आप मेरे मन को इतना? क्यों? जिसे समझना था वो तो माधवगढ़ खतरे में है। वो चिट्ठी हमें वापस कर दीजिए। लेकिन वो चिट्ठी तो हमने वीर को। क्या? आदरणीय पिताश्री, हमसे एक अपराध हुआ है। कुंवर महेंद्र प्रताप सिंह ही वीर है। हमने आपसे यह सच्चाई छुपाई,
क्योंकि हमारे दिल में जो उनके लिए जज्बात है वो हम तुम्हारी इरादों को समझ गए हैं। पिंडारी का हाथ हाथ नहीं लोहा होता है। आप थक जाएंगी राजकुमारी साहिबा। आपने तो हमारी कलाई पर घड़ी बना दी, अब तो अच्छा वक्त आना निश्चित है। सच तुम्हारा प्यार है या साजिश, हम क्या समझे क्या करें? कंगन भेजें दद्दा ने अपनी बहू के लिए। एक बात बताएं वीर, अगर आपको हम में और आपके दद्दा में से किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? सच्चाई को। पिता अगर सच्चा हो अच्छा हो तो हर कोई साथ देता है, लेकिन अगर पिता गलत हो तो औलाद क्या करे? उन्हें छोड़ दें? ना छोड़ें ना साथ दें, सही रास्ते पर ले आएं। क्या रास्ता दिखाएं? वो लोग अपना राजधर्म ना निभाए, पूर्वजों से मिले राजवंश को आगे ना बढ़ाए। 4,500 पिंडारियों को धोखा दे के मारना धर्म निभाना है। माधवगढ़ को फिरंगियों का गुलाम बनाना आगे बढ़ाना है। युवरागी जी, खतरा आपके राज्य को पिंडारियों से नहीं बल्कि आपके अपने पिता से है। अगर उस वक्त आपके पिता ने वचन निभाया होता तो आज ये वक्त नहीं आता। आपने राज्य की भलाई की जो शपथ ली है उसमें मैं आपका साथ दूंगा। सुबह देता हूं आपकी सेनाएं महफूज रहेंगी। पिंडारियों की तरफ से तब तक वार नहीं होगा जब तक आपकी तरफ से पहल नहीं होती। ये कंगन अब मैं तभी पहनाऊंगा जब आप में सच कहने की हिम्मत आ जाएगी। पूरी दुनिया के सामने आप मुझे वीर कह के पुकारेंगी, फिर मुलाकात होगी।